हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भेज रवा इडली, जो खाने में टेस्टी और हेल्दी दोनों होती है। भेज इडली बनाने के लिए हम लिए हैं 1 से 2 गाजर, थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज। इसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां ले सकते हैं, जैसे मटर, थोड़ा सा बीन्स, 1 कटोरी रवा सूजी, और जिस कटोरी से आप सूजी लीजिएगा उसी कटोरी से 1 कटोरी दही, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा खावर सोडा। सोडा के जगह पे आप इनो ले सकते हैं, 1 चम्मच इनो दे के उसी से में मिला देना। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये सूजी का घोल तैयार कर लेंगे। एक बर्तन में हम लेंगे सूजी और ये दही, इसको अच्छे से मिला लेना है। अभी इसमें कुछ नहीं देना है, ना तो नमक और ना ही सोडा, और ना वो जो हम सब्जी काट के रखे हैं वो भी अभी नहीं देना है। इसको सिर्फ मिला के हम इस तरह से, देखे है, इसको मिला के हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे, जिसे सूजी जो है वो अच्छे तरह से फूल जाए। अब इसको हम पहले 10 मिनट रख देते हैं, फिर सारे सामग्री को इसमें मिलाएंगे। 10 मिनट हो गया है, अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें अब हम सारा ये वेजिटेबल्स जो काट के रखे थे सारे मिक्स कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, नमक भी दे देते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी दे देते हैं। ज्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि इसका घोल जो है सूजी का घोल थोड़ा गाढ़ा ही रहता है, इसीलिए। ये देखिए, थोड़ा और पानी देंगे। इधर हम पानी चढ़ा दिए हैं इडली बर्तन में गर्म होने के लिए। अभी हम इसमें सोडा नहीं देंगे, पहले हम इडली बर्तन में तेल लगा लेते हैं, जिससे इडली जो है मेरा सटेगा नहीं। इसी तरह हम लगा लेते हैं सारे बर्तन में। अब इसमें हम दे देते हैं ये सोडा। अगर इनो आप दीजिएगा तो इनो बस 1/2 चम्मच देना है, उससे थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देना है। अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, सिर्फ मिलाना है, ज्यादा फेंटना नहीं है, नहीं तो मेरा इडली जो है यहीं पे फूल जाएगा और पकने के वक्त नहीं फूलेगा। तो अच्छे से सिर्फ मिक्स कर लेना है। अब इसको हम बर्तन में दे देते हैं। इसी तरह हम सारे बर्तन में थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच दे देंगे। इसकी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और ये 1 कटोरी सूजी से हमारा ये 15 इडली, लगभग 15 इडली बन के तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें कम हुआ है। इधर हम पानी गर्म कर लिए, तो इसको हम धीरे से इस इडली बर्तन में दे देंगे। देते हैं और 15 मिनट तक इसको हम कुक होने देंगे। 15 मिनट बाद एक चाकू से या कोई भी नुकीली चीज से देखेंगे कि ये हुआ है या नहीं। 15 मिनट में हो ही जाता है। फ्लेम को लो मीडियम रखना है।
ना फुल और ना ज्यादा लो। पंद्रह मिनट हो गया है तो हम देख लेते हैं इसको। एक चाकू लेंगे और उसको इस तरह से देखेंगे। देखिए चाकू में बिल्कुल नहीं लगा है, अगर चाकू में लगा रह जाता तो इसका मतलब मेरा ये तैयार नहीं रहता। आप चाकू से भी देख सकते हैं और एक इस तरह का कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से कीजिएगा और इधर निकालिएगा। अगर नहीं हुआ रहता है तो इसमें चिपक जाता है। ये मेरा बन के तैयार हो गया है तो थोड़ा देर ठंडा होने बंद कर देंगे, फिर इसको हम और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा देर छोड़ देंगे। गर्म में हम नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। ठंडा हो गया, अब हम इसको एक चाकू से निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए कितना अच्छा फूल के मेरा तैयार हुआ है। इसी तरह सारे निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ खा सकते हैं। ये बिना चटनी सॉस का भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यह हमारा भेज इडली खाने के लिए तैयार है।